नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टी बैगर शेयर्स के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को सालों से 10 साल में 15 सालों में करोड़ों रुपए बना के दिए हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों रुपए बनाया है, तो काफी अपने सेक्टर्स के बेस्ट शेयर्स है ये। तो इन तीन शेयर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज जो बात करने वाले हैं, हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, बाकी पूरे साल का रिटर्न आप 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का और 20 ईयर्स का रिटर्न आप गूगल करके आप देख सकते हो। लेकिन आज हम मैं तीन शेयर्स के बारे में बताऊंगा वन बाय वन, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना के दिया है। क्योंकि तो पहला यहाँ पे स्टॉक देखते हैं, तो पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉक का नाम देख लेंगे। पहला जो यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पे जिसका मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी 37 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय जो है 27 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 152 है, जो कि कंपनी कंप्लीटली डेब्ट फ्री कंपनी है। यहाँ पे इंडस्ट्री पी 23 है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो अगेन 18 का है, ईपीएस 25 का है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.82 का है और एनपीएम 18.6 है। 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई यहाँ पे देखते हैं तो 1027 एंड 544 का है, 544 रुपीज का है। तो ये कौन सी कंपनी है अभी हम इसको देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर की पहली जो कंपनी है, तीसरे नंबर की कंपनी जो है भारत डायनेमिक्स करके, तो ये एक जो कंपनी है इसका पिछले 1 साल का यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पे जो कि इसने 1 साल में रिटर्न दिया है 68% के आसपास में, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। जो कि एक अभी जो मार्केट करेक्शन रेट में चल रहा है, करेक्शन होने के बाद भी 68 दिख रहा है, नहीं तो इसका 1 ईयर का रिटर्न 100% के आसपास में था। यहाँ पे आप गूगल में जब देखना तो आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख लेना और मैक्सिमम रिटर्न देख लेना, काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक मल्टीबैगर और अच्छा स्टॉक्स है और ग्रोइंग स्टॉक है। सेकेंड नंबर का जो स्टॉक हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 44,000 का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 51 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29 है, इंटरेस्ट कवरेज 233 है, कंपनी कंप्लीटली डेब्ट फ्री कंपनी है, इंडस्ट्री पी 35 का है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है 2800 का है, बुक वैल्यू 274 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 22 का यहाँ पे है, ईपीएस 56 है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.6 है, डिविडेंड यील्ड 0.82 का है। और यहाँ पे हम देखते हैं 52 वीक लो एंड हाई जो स्टॉक लगाया है, 1900 का 52 वीक लो लगाया है एंड 3900 का 52 वीक हाई लगाया है। अब यहाँ पे ये स्टॉक का नाम देख लेते हैं, तो दूसरा इस नंबर का स्टॉक जो है इसका नाम है शेफलर इंडिया, जो कि ये ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2800 है और पिछले 1 साल का रिटर्न यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 48% है। लेकिन दोस्तों ये पिछले 1 साल का 48% दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप अगर इसका 5 ईयर्स का और मैक्सिमम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 20 साल पहले, तो आज कम से कम 5-6 करोड़ रुपए ये कंपनी ने बना के दिया होता। अपने सेक्टर की अगेन ये बेस्ट कंपनी है। थर्ड नंबर का हम स्टॉक देख लेते हैं, तीसरे नंबर का जो स्टॉक है यहाँ पे देखते हैं तो उसका मार्केट कैप है 90,000 करोड़, जिसका स्टॉक का पी 58 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 27 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 का है, इंडस्ट्री पी 40 है, बुक करंट मार्केट प्राइस 1387 है, बुक वैल्यू 78 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 33 का, ईपीएस 23, पेग रेशियो 1.19 का है, 1 ईयर का लो एंड हाई जो लगाया है स्टॉक ने 621 का लो लगाया है, 1400 का हाई लगाया है, डिविडेंड यील्ड कम है यहाँ पे 0.07 है, फेस वैल्यू 10 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने 12% का रिटर्न 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। तो ये थर्ड नंबर वन जो स्टॉक है वो हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये है वरुण बेवरेज, जो कि एक बेवरेज कंपनी, बेवरेज सेक्टर की कंपनी है, जो कि एक अपने सेक्टर का ये लीडर है और अभी करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 1384 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका पिछले 1 साल का रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ये आप देखते हो, यहाँ पे देखो 118% मार्केट करेक्शन में होने के बाद भी इस स्टॉक ने 118% का इसने रिटर्न दिया है। तो आप सोच सकते हो 5 इयर्स में 10 इयर्स में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है।
5 ईयर्स में इसने आपके पैसे को 10 गुना करके, कभी 10 गुना करके दिया है। तो ये काफी, ये तीनों जो स्टॉक मैंने बताया ये काफी अच्छे स्टॉक्स है, अपने सेक्टर्स के लीडर स्टॉक्स है ये, और इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा ये वेल्थ क्रिएट करके देंगे, और अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद।